आंदोलन वीडियो बाओ वीडियो बोलो वीडियो तू ही बनाओ मैं मेरे बोल बोल दादा साहब दे जाज भी देखना नहीं नहीं जाज फिर इधर इधर बयान दर्ज करो तू मेरे काम नहीं है यदि ये प्रेरणा आप लोगों से नहीं मिलती तो आज ये आंदोलन इतना नहीं चल पाता सही गल है ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕੋ ਚਲਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਆਪਕਾ ਆਹਵਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੋ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਔਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਚਰਚ ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਮੰਦਿਰੋ ਮੈਂ ਖੂਬ ਕਰੋੜੋ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਪਨਪ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਪਨਪ ਜਾਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੋ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਆਪ ਵਹਾਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੋ ਜਾਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਤਾ ਹੈ रहने की जगह मिल जाएगी तो इसका मतलब ये है यदि आप 2% की बजाय 20% होते अब आज इस देश को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है जी सही बात है आपकी ये जो मैं पहले बोला ना जो पहले गुरु सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर लगाया था आज उसी की बरकत है अरे वीर जी आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जो मैं कहना चाहता हूँ हाँ आप मेरी पूरी बात सुनो जो मैं कहता हूँ 20 रुपए का लंगर गुरु जी ने लगाया ठीक है अच्छा ऐसे गुरु सब धर्मों में हुए हैं सब धर्मों में हुए हैं भाई जैसे ईसाइयों में भी हुए हैं ईसा मसीह हुए हैं अच्छा मुसलमानों में पैगंबर हुआ है अच्छा हिंदुओं में भी जैसे रामायण में महाभारत में ये जो राम है कृष्ण है और दुनिया भर के महादेव है अच्छा पता नहीं कितने वो हैं इनके अच्छा उनको ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं मिली मैं ये बात जानना चाहता हूँ आज मंदिरों में जितना पैसा इकट्ठा होता है सबसे ज़्यादा मिसयूज वे लोग करते हैं वे एक पैसे का लंगर नहीं लगाते सिर्फ अपना पेट भरते हैं अच्छा आप लोग ऐसा करते क्यों नहीं ये मतलब ये एक जो क्वेश्चन पुट ऑफ होता है जो आप लोगों के ही सिवाय और कहीं ऐसा फॉलो नहीं करते जो आप करते हो मैं वही बात बता रहा हूँ कि जिहड़े पहले जितने भी अवतार आए ना समय की लोड़ ना आए कृष्ण आया राम आए वो जिस तरह जिस तरह धरती से जुल्म वधिया जिन्ना जिन्ना चिर शरीर करके अवतार रहे ने जुल्म नूं ठल पई रही है फिर इस धरती ने पुकार की परमेश्वर के अगे जाके परमेश्वर तो अवतार भेजदा आ जुल्म की जो हद वध जांदी आ जिन्ना जिन्ना चिर जुल्म हुंदा आ जिन्ना चिर अवतार नहीं तां जुल्म ठल पैंदी आ जदों शरीर करके चले जांदा आ फिर जुल्म वध जांदा आ हुण अवतार नहीं खड़ना हुण तूं आप आ परमेश्वर ने गुरु नानक दे रूप शरीर करके परमेश्वर रब आप धरती ते आया आप आया और रब आया शरीर करके चला गया पर गया नहीं अच्छा नहीं जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों के जो गुरु जी थे भाई और कुछ धर्म तो हुए परंतु उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया ना वो अवतार आए वो अवतार आए ये अवतार नहीं आया अच्छा रब खुद आया एक गया नहीं एक गया नहीं गया नहीं मैं यही तो कहना चाहता हूँ आप लोग यदि ये प्रेरणा सबको मिलती तो आज इस देश में पुलिस की और कोई लोड नहीं आप समझते हो ना एक मिनट मेरी बात सुनो ये 26-27 दिसंबर का 26 दिसंबर का आंदोलन चल रहा है ना मुझे पता है नवंबर का रहने वाला हूँ ठीक है कोई भी समागम हो छोटा मोटा मेला हो कुछ भी हो ट्रैफिक को ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी बढ़ जाती पुलिस की लोड पड़ती कितनी भी उसी दिन से एक भी सिपाही देखा है नहीं 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 देखा पुलिस वाला एक भी देखा नहीं देखा क्योंकि असं अपने आप नूं किसी को नहीं वलंटियर भी नहीं देखे वलंटियर देखे ने वलंटियर भी नहीं अपने आप नूं आप कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरी बात जितने भी लोग हैं नौजवान हैं नौजवानों को आज के समय में काबू करना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है मुश्किल है ना मुश्किल है ना बहुत मुश्किल है आपने जहाँ देखा यहाँ साड़ी धीएँ बहने बच्ची सब रहते ना बराबर रहते ना कोई भी शिकायत नहीं कोई कोई 26 दिसंबर से लेकर आज तक कोई कुछ शिकायत आई किस थाना में या किसी भी आज किसी ने किसी बेटी को छेड़ा या किसी को नड़बाजी की कोई हुआ नहीं मैं हम दूसरी बात मेरे तीसरी बात हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं बड़े बड़े कुंभ का मेला भी लगता है ठीक है ना उसे आप नशा करके नहीं जाते नहीं ना जाते नहीं इतने किसी ने नशे की मनाई तो नहीं करते भी होंगे लोग करते हैं पर कितने भी खराब पी शराब पी नशा करके पता ही नहीं लगता है पता ही नहीं लगता कि किसी ने नशा किया है ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपको इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो आप लोग हैं ना प्रेरणा के स्रोत हैं आप लोग आपसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए
मेरे हिसाब से तो। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखो आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हो। अच्छा दूसरी बात, पंजाब का जो योगदान रहा कृषि में, अच्छा देश को आजाद कराने में, एजुकेशन में, और आप लोगों का जो सबसे बड़ा वो रहा है कि आप ना मरना जानते हो। आप सब तो बड़ी खासियत यही है। हाँ, और वो सिर्फ सिख धर्म में ही है जो मरना जानता है। अच्छा, और फिर मैं इस बात को पूरा कर दूं, और फोटो को देखते ना, और बूढ़े बाबा, बाबा दीप सिंह जी का, इनकी कुर्बानी क्या है, हरिमंदर साहब पता गोल्डन टेंपल का, बीसों बार गया, उसको आजाद कराने के लिए इन्होंने अपना चल के रख के लड़ा। मौत का प्रण तो करते हैं कि वो काम होगा, अस जान मार देंगे, कर देंगे, पर मौत ना ये नहीं किसी ने प्रण किया बाबा जी तो बगैर कि असं उन्ना चिर मरना नहीं जिन्ना चिर आजाद ना करा लिया दरबार साहब। एक खासियत है, अभी एक इंटरव्यू ले रहा था एक आदमी एक सरकार जी का, कि आप बताएंगे लंगर कब तक चलेगा, तो उसने एक बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि हमारे को है ना लंगर लगाते 450 साल हो गए हैं, तो आगे चलेगा कितने दिन हमें नहीं पता है। दूसरी बात है सरकार जी, जो जाति जो धर्म जो इंसान मरना जानता है ना वो जीना भी जानता है, परंतु मरना तो अपने बस का नहीं है, परंतु आपको मरना कैसे है वो भी आपको पता है, वो सबको नहीं पता। अच्छा, इसीलिए आप आज संसार में महान हैं। आज इंग्लैंड में ले, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, और कहीं भी ले लो संसार में, पूरे हिंदुस्तान में, मैं पूरा हिंदुस्तान कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक घूमाऊँ, और मैंने ऐसे ऐसे गांव शहर देखे हैं जहाँ एक ही सरदार है। गोवा में चले जाओ, खालसा के नाम से शेरे पंजाब होटल। अच्छा, कर्नाटक में चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो ऐसी ऐसी जगह चले गए जहाँ आदमी को पता नहीं लगा कि मैं आया कहाँ हूँ। वहाँ जा करके उसने अपने आप को डेवलप किया और लोगों को औरों को भी सरदार बनाया, खुद तो सरदार रहा ही ना, औरों को भी सरदार बनाया। यदि हिंदुस्तान से कोई आदमी इंग्लैंड चले जाता है, हिंदू या मुस्लिम या कोई, वो अपनी वेशभूषा या अपने धर्म को सब कुछ भूल जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। इस धर्म में यही विशेषता है, यही विशेषता है कि साडा स्थान ही है, साढ़े पहले गुरु गुरु नानक देव जी का स्थान ही बताया है। उस स्थान जिहड़ा है ना, असीं नाम जपो, किरत करो, वंड छको, ये तीन स्थान है। पर मैं भी आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो है, आज दिल्ली के अंदर 80% बूढ़े पार्किंग पड़े हैं, उनको घर वाले पूछने वाले नहीं, रिटायर हुआ पेंशन पैसा आया सारा ले लिया और फिर बाकी उसको बाहर छोड़ दिया। पंजाब में ऐसा नहीं है, नहीं। अच्छा, आज भी आप 550 साल पहले गुरु नानक देव की जो वाणी है, जो उनका आपको सुझाव दिया है, जो आपको गाइडलाइन दी है, आज आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं। आज कोई किसी को फॉलो नहीं करता, पेरेंट्स को फॉलो नहीं करते बच्चे, पेरेंट्स बेचारा आपको परेशान रहता है, पर क्यों नहीं। तो जो मेरा कहने का मकसद यही था कि आप लोगों में जो सबसे बड़ी बात है कि इतने टाइम बाद 500 साल बाद आज आप लोग इतनी प्रेरणा के साथ उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कह दिया वैसे ही कर रहे हैं। हमारे जो करते रहते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने तो बताया भी 100 बात, एक बात कि जितने भी बता रहे हैं शरीर करके चले गए, जो हमारा गुरु गुरु नानक देव जी शरीर करके परमेश्वर का अवतार यही उज्ञाई यही है, और उसकी कृपा से असली अपनी ने उसकी कृपा दे नाल सारे को चलन दिया, वही करवा रहे सब। बोल सोनिया, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माँ है, बाप है ना, हर देखो जी फिर सेवा कर रहे हैं जी, सेवा कर रहे हैं जी, रात की सेवा देखो जी, किसान यूनियन की तरफ से कि हाँ जी देखो जी बाबा जी सेवा कर रहे हैं जी, जो हाँ देखो जी लंगर चलो
सब्जी चाहिए सब्जी सवेर की सब्जी वास्ते मटर कट दे देखो जी हाँ जी सवेर की सब्जी वास्ते हाँ जी सेवा कर रहे हैं जी अपना अपनी प्लेट मटर की सेवा चल रही है जी प्लेट मटर की सेवा चल रही है पानी की सुविधा दी है जी इत्थे ਬੁਲਾਤਾ ਬੁਲਾਤਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬੁਲਾਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ।